तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू आपका 81 है। ये सिस्टम दिया गया है। अब ये सिस्टम है या फंक्शन है, ठीक है, ये एक सिस्टम है dx ऑफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे यहां पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx ऑफ LHS x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू d by dx ऑफ 81, ठीक है। अब यहां पे आप एलजेब्रा लगा दोगे डिफरेंशिएशन का, तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, d by dx ऑफ x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा d by dx ऑफ x स्क्वायर y प्लस d by dx ऑफ, तो जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है पहले आप सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और हर स्टेप लिखिए, फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि हमें कैसे कौन सा और कहां रूल लगाना है, ठीक है। तो 81 तो कांस्टेंट है, 81 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक। अब ये d by dx ऑफ x क्यूब है, इसका मतलब ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, और इसका क्या होता है nxn माइनस वन, मतलब 3x 3 माइनस वन, और 3 माइनस वन कितना होता है 2 होता है, तो यहां पे आपका 2 आ जाएगा प्लस, ठीक है, इसका काम हो गया। अब यहां पे दो फंक्शन है x स्क्वायर एंड y, दो फंक्शन है, ठीक है, और दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आप यहां पे क्या करोगे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट d by dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका जो डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है ये सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसी तरह से यहां भी आपके पास दो फंक्शन है, ठीक, x और y स्क्वायर, तो यहां भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट d by dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d by dx ऑफ फर्स्ट, ठीक। और यहां तो अलग ही समस्या है, ठीक है, यहां एक ही फंक्शन है लेकिन वो फंक्शन y का है और यहां d by dx लिखा हुआ है, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं आप, ये होगा नहीं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा ये y क्यूब जो है चूंकि y का फंक्शन है तो ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो यहां पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा d by dy, लेकिन dy आया कहां से, तो हमने एक तरह से dy मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब देखिए अब ये y आराम से x y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। चलिए फिर से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये हो गया आपका dy by dx और ये आपका 2x आएगा, यहां का डिफरेंशिएशन 2x आएगा और ये y है तो प्लस का क्या हो गया आपका 2xy प्लस, या यहां से आपका क्या, ठीक है, यहां पे वही प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहां पे वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, यहां पे हम दिखा देते हैं आपको, तो d by dx आप जो y स्क्वायर है इसको आप लिखोगे d by dy y स्क्वायर इंटू dy by dx और ये चीज क्या आ जाएगी आपकी 2y और dy by dx, मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा इस वाले पार्ट का वो क्या आने वाला है 2y dy by dx और x पहले से पड़ा हुआ है तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका 2xy dy by dx प्लस y स्क्वायर dy by dx, ठीक। और यहां पे देखिए क्या आएगा 3 प्लस का 3 y स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू 0। अब dy by dx आपका यहां पड़ा हुआ है 1 2 और आपका कहां पड़ा हुआ है 3, ठीक है, और ये आपका 4 जगह हो गया, ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट डिवाइड ऑफ सेकेंड और ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है, सेकेंड डिवाइड ऑफ फर्स्ट सही है, और यहां पे फर्स्ट डिवाइड ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइड ऑफ फर्स्ट ये गलत लिखा है, ठीक है, यहां पे आपका x होगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1,
ठीक है, तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, खैर, तो आपका डीवाई बाई डीएक्स कहां, एक यहां से आ रहा है, डीवाई बाई डीएक्स यहां आ रहा है और डीवाई बाई डीएक्स यहां आ रहा है, तो डीवाई बाई डीएक्स के हम कोफिशिएंट क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो डीवाई बाई डीएक्स दैट इज इक्वल टू, यहां से कोफिशिएंट क्या आ गया आपका, प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहां से क्या आ गया आपका टू एक्स वाई, प्लस का टू एक्स वाई, और प्लस यहां से क्या आ गया आपका थ्री वाई स्क्वायर, तो दैट इज थ्री वाई स्क्वायर। अच्छा, जो डीवाई बाई डीएक्स टर्म्स नहीं है वो कौन कौन से हैं, एक ये हो गया आपका माइनस थ्री, इस साइड में आके आपका माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का टू एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका, अब डीवाई बाई डीएक्स एज ए सब्जेक्ट बना लीजिए, तो डीवाई बाई डीएक्स ऊपर से माइनस कॉमन कर लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये तो आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया, लेकिन